फैक्ट नंबर 7, दोस्तों जापान अपने देश के एनवायरनमेंट और नेचर का काफी ध्यान रखता है। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि जापान एक वेल डेवलप्ड कंट्री है, जिसके कारण यहाँ समय समय पर कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है। लेकिन दोस्तों क्या होगा जापान में कंस्ट्रक्शन के बीच में अगर कोई पेड़ आ जाए? हमारे इंडिया में अगर कंस्ट्रक्शन के बीच में अगर कोई पेड़ आ जाए तो हम इंडियंस तो उसे सीधा ही उड़ा देते हैं। लेकिन दोस्तों जापान एक एक पेड़ की अहमियत को समझता है, इसलिए वह पेड़ को न काट कर उसे जड़ से एक मशीन के द्वारा उखाड़ कर उसे जंगलों में या किसी और जगह शिफ्ट कर देता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो। फैक्ट नंबर 6, मुमिन वैली पार्क जापान में एक तरह के पार्क होते हैं, जहां इस तरह से रंग बिरंगे छाते लगे होते हैं। दोस्तों यह छाते पार्क की शोभा को तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही यहां मौजूद लोगों को धूप और बारिश से भी बचाते हैं। फैक्ट नंबर 5, जापान में ट्रेन ट्रैक में कछुओं के लिए अलग से रास्ता बनाया जाता है, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचाया जा सके। हालांकि दोस्तों जापान में बुलेट ट्रेन के लिए अलग तरह के ट्रैक होते हैं, लेकिन दोस्तों जापान के इन ट्रैक पे आप कछुओं के लिए रास्ते को देख सकते हो। फैक्ट नंबर 4, जापान में बोनसाई को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन दोस्तों ये बोनसाई जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये कोई आम बोनसाई नहीं है। यह 400 साल पुराना बोनसाई है जो आज भी सही सलामत जापान में मौजूद है। फैक्ट नंबर 3, जापानी लोग समय के बहुत ज्यादा पक्के होते हैं, इसलिए जापान में कोई भी ट्रेन कभी भी लेट नहीं होती। जहां इंडिया में ट्रेन दो दो तीन तीन घंटे तक लेट हो सकती है, वहीं जापान में कोई भी ट्रेन मुश्किल से 15 सेकंड तक ही लेट हो सकती है। फैक्ट नंबर 2, जापान बहुत ही साफ सुथरा देश है, यहाँ तक कि यहाँ की नालियाँ भी बहुत ज्यादा साफ होती है, जहाँ आपको रंग बिरंगे मछलियाँ देखने को मिल सकती है। यह मछलियाँ नाली को तो साफ रखती ही है, साथ ही काफी सुंदर भी दिखती है और सड़कों की शोभा को भी बढ़ाती है। फैक्ट नंबर 1, जापान के किसी भी स्कूलों में सफाई कर्मचारी नहीं होते, यहाँ की सारी सफाई यहाँ के खुद स्टूडेंट्स को करनी पड़ती है। दोस्तों मुझे पता है कि आपको ये फैक्ट पहले से पता था, क्योंकि हम सब ने अपने बचपन में डोरेमोन को जरूर देखा है और उसमें ये भी देखा है कि कैसे नोबिता स्कूल की छुट्टी के बाद पूरी क्लासरूम की सफाई करता है। दोस्तों क्या आप जापान जाना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।